श्वेता, क्या बोला तुमने? श्वेता, मैं तुझसे बात करनी है। क्या हुआ तुम्हें? कौन है तू? तू क्या काम कर रही हो? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ओ, वैसे जानना सिर्फ तुम्हें है या फिर किसी और को भी पता करना है? आज ज्वेलरी में दो आदमी आए हैं, मेरे हाथ पकड़ा है। मालूम है वो क्या बताया है? मैं समझ सकती हूँ उनके बात की मतलब। कौन है तू? बताओ, तू तो क्या काम कर रही हो? रोज रात में कहाँ जा रही हो? इतने पैसे तुझे कहाँ से मिल रहे हैं? अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने घर वालों की आंसुओं की कीमत जानेगी उसी दिन तुम मुझे समझ पाओगी। देख बहन, ये जो भी दिख रहा है ये शरीर से कमाया है। मेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही था, इसलिए आज वो लोग सब खुशी से जी रहे हैं। इसलिए तुम्हारी भाषा में अगर मुझे कोई वेश्या भी बुलाए तो कम नहीं है। शायद तुम्हें लगेगा ये एक 5-स्टार वेश्या के चरित्र का भाषण है। तुम्हारी परेशानियां मैं जानती हूं। तुम चाहती हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। वो डॉक्टर, उन्हें सिर्फ छूना ही है तुम्हारा काम, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उतने में ही काम हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है तुम जान जाओगी। आ, 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 मेरे बारे में तो क्या समझ रखे हो? एक लड़के के लिए बहुत बड़ा है इनका शील। वो समझने के लिए संस्कार कुटुंब में पैदा होनी चाहिए। संस्कार? हाँ, इसी संस्कार की वजह से इस शहर में आज तक तुम पे किसी ने बुरी नजर नहीं डाली। बड़ा आया संस्कार। मैं आगे यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। मेरे लिए तो कर्जा है, मैं उसे चुका लूंगी, वो भी मेहनत से। वो शेल्फ पे कुछ पैसे रखे हैं माँ के बाईपास के लिए, अगर तुम भूल गई हो तो वो भी जरा ले लो। अब उसके लिए किसी के आगे भीख मत मांगना। तेरी शरीर को बेचकर मेरी मैं माँ की जान नहीं बचाना चाहती, उसके बदले में वो मर जाती तो बेहतर है। मैंने तो तुझे सही बहन समझा था। मैंने ये रात को मत निकलना। तुम जो चरित्र अपना बचा के रखी हो ना,
वो नहीं नाखून भी नहीं बचेगा यहाँ। बाहर सदाचार पुलिस भी खड़े होंगे। पापा? क्या बेटी, तू सो रही थी क्या? अरे घर पे तो तुम एकदम सुबह उठती थी। हाँ यहाँ आए तो सब नया नया सीखा। तो क्या हो गया, तू ठीक तो है ना पिताजी? हाँ तू ठीक है ना? प्रिया ये लो। उसको लेने को उसको शर्म लगता होगा, इसको आदत नहीं ना। आप बैठ के बात करिए। अरे ऐसा एक दोस्त मिलने के लिए तेरा सौभाग्य है। ये तुम्हारा माँ का जीवन है, आज नहीं तो कल ये अपन वापस देगा। लेकिन उस देने का दिल देखो उसका। जॉनसन बोलता है यहाँ अगर अच्छी तरह काम करेगा तो प्रमोशन का बहुत चांस है करके। चेदा भी ऐसा ही रहेगा ना। अरे मुझे तो पैसा का कोई लालच नहीं, लेकिन आजकल मैंने तो बहुत सारा कुछ सपने देखने लगा बेटी। घर वापस लेना है, माया को अच्छी तरह सिखाना है। तू भी श्वेता जैसा काम करेगा तो तुम भी ज्यादा कमा सकेगा ना बेटी। सब कुछ आस्ता आस्ता अपने पास वापस आता है तो मुझे एकदम अच्छा लगता है बेटी, इसीलिए बोलता हूँ बेटी। तो मैं निकलूं क्या श्वेता? हाँ मैं निकलता हूँ। लंच के बाद जाइए ना। नहीं नहीं मुझे बहुत सारा काम है, निकलता हूँ। पिताजी ने बोला सुना ना, पैसा कितना है यही सब पूछेंगे, कहां से आए ये किसी को पता नहीं करना। प्रिया एक औरत के हाथ में पैसा कहां से आया ये सिर्फ एक पति पता करता है, वो भी सिर्फ एक सदाचार बकवास करने वाले।
डॉक्टर को मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। जिंदगी कभी ऐसी भी होती है, कल तक जो हमारे नियम और विश्वास थे वो एक मिनट में खत्म हो जाएंगे। सच्चाई बदलेगी, उसकी रीति भी। शाम को डॉक्टर का गाड़ी आएगा फ्लैट पे। मुझे जूते खरीदना है। अंदर चल। हे क्या देख रहे रे? छेड़ो, चल चल छेड़ो, गाड़ी के अंदर छेड़ो छेड़ो छेड़ो। बोल रहा हूँ ना मैं। आजा आजा, कुछ नहीं की, मुझे छोड़ो। चल चल चल, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। जाके बैठो ना। क्या देख रहे हैं तुम? जाओ चले। श्वेता, मुझे मालूम है वो लड़की कौन है। हम जाकर बचा लेंगे। हमें चलना चाहिए। श्वेता, अगर मुझे भी ऐसी हालत आ गया तो चलो। अबे जा बे जा। सर, ना डाल इसको अंदर, डालो। चढ़ो गाड़ी के अंदर, चढ़ो अंदर जा बे। क्या है बोला? वो लड़की को किसी ने धोखा दिया है, उन्हें जरा छोड़ दीजिए। तो तुम संघ सेवक है क्या? चुपचाप यहाँ से निकलो, नहीं तो तू भी अंदर आना पड़ेंगे। समझ गए क्या? अरे साहब, ऐसा किसी ने धोखा देकर या फिर एक वक्त के खाने के लिए अपने कपड़े उतारे उनके पास ही आपका नियम चलता है? यहाँ पे कॉर्पोरेट या नेता या बिजनेस वालों के आगे नोट के बदले में साथ में सोने वाले किसी भी मैडम को आप तो कुछ नहीं करेंगे। कुछ करेंगे तो पता चलेगा। अरे वते, पुलिस को हाथ दिखा रहे क्या? ये वर्गीस को कानून के बारे में बोलेंगे? साहब फेमिनिस्ट है, संभाल के बात कर लेना। मैडम साहब तो नया आदमी है, मैडम तो फेमिनिस्ट है ना। हमें तो एक शिकायत मिल गया है, ये सब चलता ही रहता है ना मैडम। और मैडम वो लड़की को पहचानता है तो आप स्टेशन में आके चले जाना। ओबे गाड़ी निकाल। देख रहे क्या? अंदर डालो। मैडम आप तो स्टेशन में आई है। साहब ये फेमिनिस्ट है क्या? हाँ। दूसरा एक्टिविस्ट है क्या? हाँ हाँ सर। ये एक्टिविस्ट कौन है सर? एक्टिव बोले तो काम करने वाला। तब वो फेमिनिस्ट? काम देने वाला। ओ भी काम नहीं पूरा हुआ सर, उसे छोड़ दो सर। ओ अभी तक तुम मैटर नहीं समझ रहे क्या? सर मुझे सहा नहीं जाता है। सुनिए के कुत्ते। अरे समीर क्या करता है तुम? इसको मैं नहीं छोड़ूंगा सर। अरे उसको जमीन में लेने के लिए कोई तो आएगा इधर। सर ये तो बहुत सीरियस मैटर है, मोहब्बत से नाम पे ये लड़की को बेच रहे सर। हाँ। 10 आदमी मिलकर ये लड़की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इसमें बड़े आदमी भी है, अगर मीडिया बीच में आया तो। अरे छोड़ दो, थोड़ा दिन के लिए ये सबको खेलने के खिलौना। अरे उसके बाद में का सब लफड़ा, आखिर में सब लोग हाथ छोड़ेगा। अरे अपन आंख बंद करके इसको एक पेटी केस बना के छोड़ देगा यार। सर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे है सर, आपके मुँह देखे तो पैसे दिख रहे सर। अरे आपका मतलब पैसा है तो ये केस चार्ज करो या ना करो, अपना पैसा अपने को मिल जाएगा। अरे ये केस कैसा भी रहने दो, अपने को अपना पैसा मिल जाएगा, अपने को उससे मतलब है। अरे इसके पीछे तो बड़े बड़े लोगों का भी फोन आने वाला है अभी। अरे कुछ भी रहने दो, अपने को अपना माल मिल जाएगा। हाँ देखो ये आ गया। हाँ ये लड़की को छोड़ दो। जामिन के नाम पे मुजरिम को हटाना का तो देखे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको समझ में आया क्या? अरे बोलता हूँ छोड़ दो ना उसको। चलिए जोसेफ, एक रेप केस है, फ्रंट पेज बदल के रखना। ये केस धूम बचाने वाला है लगता है, मुझे सेकंड एडिशन भी आने वाला है लगता है। शाम तक न्यूज में मिल गया। देखो हम लोग लेट हो गया, सब लोग आगे आ गए इधर। क्या प्रॉब्लम? हमारा सब कुछ नहीं है ना? क्या लाइव शूट नहीं है क्या? हमको तो मीटिंग में जाना है ना, 2 दिन से छुट्टी ले लेगा तो अच्छा होगा। ठीक ही कह रही है।
देखो ना आ गया। अरे ये लोग से पूछेगा तो ना, डिटेल सही का एक फ्लैश देने का सर, इसलिए बोल रहा हूं। क्या सर, क्या अंदर चलो, पहले आ जा। हमको लगता है ये सच बोल रहा है। क्या हुआ, चलो सुनो, सच बोलो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? आप लोग यहां से चले जाइए प्लीज। मैडम, ये लड़की को किधर अरेस्ट किया? लड़की को उम्र तो 15 साल है। अगला समाचार मैं जरूर भेजूंगा, एक्टिविस्ट टाइप कर लो ना, ये केस ने सीआईडी को बदल जाएंगे। सब लोग आ रहे हैं, हुशियार देखो। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो यहाँ से, अरे हट जाना, छोड़ दो, बोलो मुझे, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, मुझे छोड़ कर आओ, अरे मुझे जाना, खड़े हो जाओ, मुझे जाना, अरे तुम्हारा मुझे छोड़ दो, बोलो मैडम उसका मुंह छोड़ दो प्लीज, अरे प्लीज नहीं, मुझे जाना। इसमें कौन कौन भी इन्वॉल्व्ड है? अभी मुझे चैनल में इंटरव्यू देना है, एक मिनट। ये लड़की पेट में है, इसका वजह सब बड़े बड़े लोग हैं, हमको मालूम है। ये केस खत्म करने के लिए इधर का पुलिस लोगों का हाथ है, उन लोगों को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। प्रिया चलो चलते हैं। पहले इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना है। मुझे भी कुछ बोलना है। ये लड़की की उम्र 18 बरस है। इस लड़की को किडनैप करके ले जाकर बड़े बड़े लोग इसे बलात्कार किया, ये अच्छा नहीं है। चलो चलो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग को न्याय चाहिए, बोलो हम लोग को न्याय चाहिए। केस बदलने वाले एसपी को शासन कर रहा है। हम उसे बचा नहीं सके। उतर जा। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपको क्या चाहिए? मुझे वो श्वेता से मिलना है। आप कौन है? मैं उनका दोस्त हूँ। आज आपका फ्रेंड लीव है सर। उनका घर का एड्रेस दिया तो मैं जाके मिलता हूँ उनसे। जाकर उस लड़की को पूछे, वो रूममेट है। थैंक यू। हालो हालो, किधर जा रहे? उधर जाकर बैठो, वो लड़की उधर आएगी। बेड़ा आया है फ्रेंड है। सुनो, तुम्हारा फ्रेंड का एक गेस्ट आया है। गेस्ट? कौन है? मुझे क्या पता। आइए आइए आइए। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? रेडी है क्या? हाँ, हम ही, वो श्वेता को देखने के लिए आया है, लीव करके बोल रहे थे, वो उनका फ्लैट का एड्रेस दिया तो। ओ क्या है कि श्वेता हॉस्पिटल गई है, उसका सर बहुत दर्द हो रहा था, शाम तक आ जाएगी। ओ ठीक है, हम वेट करता हूँ। नहीं तो उनका फोन नंबर मिलेगा क्या? एक मिनट। श्वेता, हेलो। हेलो, तुम कहाँ हो? यहाँ जैन आया है। कौन सा जैन? उस दिन लड़की देखने आया है ना। एक सेकेंड। श्वेता, श्वेता, वो अभी वहां क्यों आया? मैं थोड़ा बिजी हूँ, किसी भी हालत में भिजा दे वापस। कह रहे थे कि वो आने के लिए देर होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे, उनसे मिलने के बाद ही जाऊंगा। हेलो, क्या करना है? तुझे मिलकर ही जाना है। मैं आ जाती हूँ। सॉरी यार, एक जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। क्या हुआ? फोन अभी आया ना, उतना जल्दी जाना है क्या? थोड़ा बहुत बैठो ना।
प्लीज हम फिर कभी मिलते हैं। प्लीज वेट करने के लिए कह रही है। हाँ, ओके। जैन को दो ना। वन सेकेंड। श्वेता है। हाँ, श्वेता क्या हुआ, तबीयत बराबर नहीं है क्या? सर में जरा दर्द है, आने में थोड़ा देरी हो जाएगी। तुम टेंशन मत लेना, मैं इधर ही वेट करता हूँ। अरे वहाँ पे बात नहीं कर सकते, मैं शाम को कॉफी बार में मिलूंगी। ओके ओके श्वेता, थैंक यू। थैंक्स। क्या हुआ तुम्हें, सूखी सी लग रही है। जाने के लिए तैयार हूँ मगर ना जाने घबराहट हो रही है। इस गलत को सोचकर। एक मर्द के 6 फुट शरीर के आगे एक औरत के लिए बहुत बड़ी दुनिया है। एक औरत अपने चरित्र के बारे में जितना सोचती है उतना मर्द नहीं सोचता। एक औरत करे तो गलत है, अगर दो लोग मिलके एक गलती करे तो सिर्फ एक मर्द को छूट क्यों मिलती है? अगर वो गलत है तो दोनों गलत है। ओ सब मुझे नहीं जानता। ये क्यों नहीं जानना चाहती प्रिया? सच कहे तो एक शादी के बाद ही एक औरत मर्द को यानी पति को सच्चा प्यार देगी, लेकिन उससे पहले परिस्थितियों से बहुत कुछ करवाएगी। हाथ से छूट जाने वाले सुंदरता से ज्यादा है परिवार, वो हाथ से ना खोए उसके लिए छोटा सा बलिदान, उतना ही तो हम कर रहे हैं। प्रिया, तुम पे आज तक किसी ने हाथ लगाया क्या? आई मीन मेरा पहले इस्तेमाल किया एक बुड्ढे ने, वो भी एक बैंक का सीनियर मैनेजर। क्या वो एक रेप था या मैंने उसे करने दिया, ये बात मुझे आज भी नहीं मालूम, वो भी पिताजी मरने के 1 हफ्ते के अंदर। बैंक लोन के बारे में बात करने के लिए मुझे गेस्ट हाउस में बुलाया। जब मैं वापस घर आ रही थी मेरे घर के पेपर्स मेरे हाथ में थे। बहुत दिनों तक घर के अंदर एक कमरे में बंद थी मैं, मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। उस दिन मेरी माँ और मेरी बहनें मेरे बारे में सोच के जितना रोए। श्वेता, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई, इस दुनिया में सबसे मूल्य एक औरत का शरीर होता है। एक औरत धोखा खा के हमेशा रोए ये चिंता हमें हटा के रखना होगा। जिंदगी भर एक मर्द के लिए अपना जीवन त्याग देने वाली औरत, वो मर्द उसे कभी दया नहीं दिखाएगा और ये कभी औरत सीखने वाली भी नहीं है। अपना चरित्र खोने पर अगर एक औरत रोती है मर्द को उतना ही आह्लाद है। मुझे इस्तेमाल करने वाले मर्दों को जब खुशी होती है मेरा मन मर जाता है। हमारी परिस्थितियां हमारे जिंदगी में हमेशा होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल उस डॉक्टर के साथ उतना ही रिश्ता काफी है, उसके बाद शादी और एक परिवार। तभी भी दिल में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब सबकी खुशी के लिए होता है। जिंदगी में एक दरवाजा खुलने की तरह, बस उतना ही समझ लो। अगर वो दरवाजा नरक के लिए तो? जय को मिला नहीं है क्या? मिलना पड़ेगा, नहीं तो वो दोबारा दुकान में घुस के आएंगे। तू चली जा। नहीं, मैं ऑटो लेके जाती हूँ। पसीना छूट रहा है, पहुंच लो।
आपको जिंदगी में एक अच्छी लड़की मिलेगी। प्लीज ऐसा मत बोलना, हम एक बार ही मिले थे, उस दिन से हम दोनों का जन्म जन्म के संबंध आई करके मुझे लग रहा था। जिंदगी एक सीरियल का डायलॉग नहीं है जय, वो एक कांच की डाली है और हम सब उस पे सूखने वाले पत्ते की तरह है। आप लिटरेचर किया क्या? कैसे पता चला? हो नहीं है, आप बात करने समय वो महसूस हो रहे, पढ़ाई का बोझ आके लगता है। किताबें और मैं, अगर ऐसा है तो किताबों से नहीं है, जिंदगी वही सबसे बड़ी किताब है। श्वेता, एक इंसान का असली खूबसूरत किधर होगा मालूम है क्या? मुंह पे है क्या? एक इंसान का खूबसूरती उनका रोनापन में दिखता है, दुखी में, देखो इस तरह। हाँ माँ जी, एक मिनट मैं श्वेता का पास देता हूँ। माँ जी, हमारे माँ जी बात करो ना। सुनो बेटी, आप कैसी हो? सुनो बेटी, उस दिन तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में तुम ही मेरी बहू, उस जगह में और कोई नहीं आएगा बेटी, तुम्हें देखने के लिए मन कर रहा था इसलिए मैंने उसे उधर भेजा। मैं तुम्हारी माँ से बात की, वो लोग बहुत खुशी में है, तुमको कोई एतराज नहीं है ना? हेलो बेटी। वो मैं कह रही थी, मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगी, तुमको कोई एतराज नहीं है ना? बोलूँ क्या? वो माँ जी, सर बिल। श्वेता प्लीज। कोई बात नहीं श्वेता प्लीज, मैं ही देता हूँ। थैंक यू सर। तो फिर जय चले जाओ, आपको बहुत दूर जाना है ना? क्यों ऐसे बीक कर आए हो? क्या हुआ, जय को मिला है क्या? मुझ जैसी लड़की को ऐसी बारिश में भीगना ही विधि है। तो नहीं चाहती है ना तू? ऐसे नहीं करनी चाहिए, वो अच्छे आदमी है। वही तो प्रिया दिक्कत है, अच्छा आदमी था। मर्द सिर्फ दो तरह के होते हैं सोचा था मैंने, एक भूखे लोग और एक बेचने वाले। लेकिन वो आदमी, ऐसे एक आदमी के साथ जिंदगी चाहना ही गलत है। कुछ समय के लिए मेरे मन में भी ये बात आया, एक जिंदगी जीने का मन किया। हम लोग तो सिर्फ साधारण से एक औरत है, पुरानी बातें ना भूलकर और जो चाहा था वो भी नहीं है। मैं भी एक औरत हूं यार, सपना देख लिया। तू ही तो बताया है ना श्वेता, विवाह होने के बाद एक पत्नी पति के साथ ही न्याय होनी चाहिए।
क्यों ऐसे स्त्री ही शीलवती होने की सोच रहे हैं, क्यों पुरुष नहीं? स्त्री और पुरुष दोनों एक ही है ना? अगर जो भी गलत करें वो तो गलत ही है ना? जैसे रेत के घर समुद्र के पानी में डूब जाता है, जैसे ही हमारा जीवन भी आधारित है। बोल सकते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है ना, उसका दर्द पहचान सकते हैं। प्रिया, सब कुछ झटके में खोना आसान है, पर वो सब वापस पाना, तुझे नहीं जाना है क्या? डॉक्टर से मैं बात करूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ कि मुझ पर आधारित कई लोग हैं, उन लोगों के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। औरत एक कांच की तरह होती है, दिखने में बहुत सुंदर, पर अगर टूट जाए। ये सूरत वाली शीशे नहीं, लोहे है। ये रात के अंदर सवाल नहीं पूछते, जवाब भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर, वेलकम यंग मैन। ओ, आ गया। यस यस, मैं इंतजार कर रहा था। ओ, पहली बार आ रहे हैं। आप सोचे जैसा कोऑपरेट करता है करके मालूम नहीं। ए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जैसे मनु सोचते जैसा, मैं एक सेक्सुअल सैडिस्ट नहीं।
बस एक अफेक्शन। थोड़ी दिन के लिए मुझे एक कंपेनियन चाहिए, बिना कुछ तकलीफ का, बिना कुछ हलचल का। मुझे एक छोटा सा घर चाहिए, जब चाहे हमें उड़ जा सकता है। हाउ अबाउट ए ड्रिंक फॉर यू मैन? नो थैंक्स, योर विश। हाँ मनु, पैसा। मेरा नया जिंदगी शुरू करने के लिए मेरे पास बस इतना ही पैसा है। जब माँ जी का देहांत हुआ है, पिताजी से मारपीट लगा हुआ जिंदगी, मुझे अकेला छोड़कर स्टेट्स में चला गया मेरा बीवी और मेरी बेटी। देखा देखा मेरा बात फादर, देख मेरा सब चीन के हंसता, देख मरने के बाद भी मैं इसको इधर लटकाया क्यों मालूम है? मेरा ये जिंदगी उसको दिखाने के लिए। यू नो वाई आई हैव हंग यू ओल्ड स्टूपिड बास्टर्ड? टू सी मी ग्रो, टू सी मी हैप्पी, टू सी मी फ्लरिश। देखा देखा कैसे आता है, जो तुम मुझसे छीन लिया, देख क्या क्या आता है मेरे देखे। स्टूपिड बास्टर्ड। अरे मनु, तुम जानते हो क्या, बस ये अकेलापन और बिना नींद का रातें बस अभी ही रह गया मेरे साथ। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, बट आई डोंट नो, आई एम बिहेविंग लाइक ए साइको। मुझे वो सब वापस लेना है। आई वांट इट बैक या एवरीथिंग फॉर ए फ्यू डेज। ओके, भेज दो उसे, आने को बोलो उसे, जल्दी, अभी, इसी वक्त। प्रिया, प्रिया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था तू आने वाली करके। ये जिंदगी एक बिना रुकावट की सफर है। जिंदगी में कुछ इंसिडेंट्स प्यार में बदलने का संभावना है, वो छोड़ दो। तुम्हें ये गलत करके सोचा तो अपने घर के बारे में, अपना परिवार के बारे में सोचो। तब हम करने वाला काम अच्छा लगेगा। तुम मुझे धोखेबाज करके समझेगा, सही है ना? हम कमजोरी होने के नातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये गलत काम ही करके मैं बहुत बार सोचा हूँ। जब उस टाइम पे मेरा अंदर जो है ना, मैं उसे देखता हूँ। अच्छा तुम चलो। कितनी सुंदर हो तुम, ये मैं क्या देख रहा हूं? आओ आओ स्वीटी, मेरे पास चले आओ। यू आर लाइक एन एंजल माय डियर, वेलकम टू द एंजल्स पैराडाइज, वेलकम। Thank you.
तुम मेरा माजी हो, माजी हो। यू आर माय मदर। मम्मी, मम्मी, मेरी माँ जी एक देवता थी। मुझे गोद में बिठा के हमेशा गाना सुनाता था। वो मुझे बहुत चाहती थी। मम्मी, 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 माँ जी, मेरी मम्मी, आइए आइए माँ जी, मेरे साथ आइए। कितने दिन हो गए हम मेरी मम्मी को देखे। आ जाइए मम्मी, आइए। आई लव यू मॉम। माँ जी आओ, माँ आओ, माँ यहां बैठो बैठो बैठो। मम्मी मुझे एक पपी दो मम्मी। माँ जी मैं आपका आपका गोद में लेट रहा हूँ। हाँ जी, अंदर का कबूड में तुम्हारे लिए ग्राउंड में ले आया हूं, वो पहन के आ जाओ। My God, Veronica, Veronica, the beautiful dancer, Veronica, Veronica is my lover. You are my Veronica. I and Veronica were real lovers. We have been living a very, very, very happy life. And we made love everywhere. Do you know, my love? You were born in Switzerland, in a small village. Tum mar gayi. No, 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 no. Tumne khudkushi ki. Tumne kyun khudkushi ki? Tumne haath kaat kar. Kyun, Veronica? Kyun tum khudkushi ki? क्यों क्यों खुदकुशी की? क्यों तुम सुसाइड किया? बोलो बोलो मुझसे, क्या कारण से तुम सुसाइड किया? बोलो 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 वेरोनिका, मुझे बोलो इसका कारण। महिला हो, मैं जानना चाहता हूं। बोलो बोलो, क्यों किया तुमने, मुझे बताओ। तुम्हारे ये तमाशा क्या है? आज मैं उनके लिए वेरोनिका हूँ। मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ हूँ। बर्फ वर्ष में ये कुटीर में देहांत हो गया। नहीं, सुसाइड करने वाली थी, वो भी हाथ काट कर, खून बह बह कर, पूरा बह कर। वो डॉक्टर का पागलपन तुम्हें आ गया क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अब मैं सिर्फ डॉक्टर के चित्रीकरण किए हुए कैरेक्टर हूँ ना। कभी कभी पत्नी जैसे, कभी माँ जैसे,
कभी बहनों जैसे, ऐसे कुछ उसने खोए हुए कुछ रिश्तों जैसे एक एक बनकर। कभी 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 मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि मैं कौन हूं। तुम्हारे ये वजह का मैं भी एक कारण हूं ना, बोलो ना प्रिया। मैं जानबूझकर ये सब नहीं किया हूं, मैं तुम्हें जिंदगी दिया। जीवित एक अनंत यात्रा है, रिश्ते कभी कभी प्रेम जैसे बदलती हैं। वो सब छोड़ दो। मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। श्वेता मुझे दूर रखने का फैसला कर दिए, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। और थोड़ा कमिटमेंट्स बाकी है, वो काम सिर्फ श्वेता ही कर सकती है। विरक्त हो सकता है, हो सकता है सब छोड़कर जीवन बिताना चाहती हो। अचानक ऐसा नहीं रोक सकते है। वो अपने जीवित को समझने लगा है, नहीं तो वो क्यों ऐसे बदलने वाली। तो चिंता मत कर, उस स्थान के लिए कोई और भी हो सकता है। वो पक्का आने वाली है, लेकिन मुझे अभी श्वेता चाहिए कुछ दिनों के लिए। उसको छोड़ दो मनो, एक अच्छे जीवित को शुरू करने वाले हैं। मैं किसे भी ढूंढते नहीं गया हूँ, किसी और को भी कंपेल नहीं किया हूँ। जो मुझे चाहता था ना, वो मुझे ढूंढ के इधर आया है। ये शहर कुएं के अंदर बिना डाला उनको तारों पर बिठा दिया हूँ, बहुत सारा पैसा देके अच्छा जिंदगी दिया हूँ। आई अग्री, मैं भी कमाया हूँ, फिर भी मैं उसके लिए बहुत मेहनत किया हूँ। लड़कियों को बांटता था, सिर्फ ये नाम ही बचा है मुझे। हम दीवार के ऊपर रहने वाले बिल्ली जैसा कभी भी मैं गिर सकता हूँ। वैसा नहीं होना है तो मैं श्वेता से मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है वो किधर है करके? मैं उससे बात करती हूँ, तू अब चल। जाके उसके पास बोलो, कोई डर डर के चुप चुप के नहीं रहने वाला है, वो भी कमिटमेंट ज्यादा रहने वाले हैं। को श्वेता अब बेहतर है ना? मनो आया था। क्या बोला? बाद में चले गया, मुझे मिलने नहीं आया। जितना भी डर के भागे, पुरानी बातें वापस हमें ढूंढते हुए आती है। मैं माँ से बोल दूंगी, ये शादी नहीं चलेगी। अब जाकर कहने वाले हो क्या? घर वालों के बारे में कुछ भी सोचा? अगर ये शादी नहीं हुआ तो उन लोगों का मन बहुत टूट जाता है। शादी करके एक बहुत बड़ी मुसीबत कराने से पहले इसे यहीं पे रोक देते हैं। गलत है ऐसा मुझे एहसास हो जाए, उसे कितना भी सुंदर बनाना चाहे। मिया कुल्फा, मिया कुल्फा, मिया मैक्सिमा कुल्फा, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी बढ़िया गलती। मन से या शरीर से दुनिया के सब लोग एक तरफ से गलती करते रहते हैं। इवन द बिगेस्ट मिस्टेक्स आर फॉरगिवन। कितना भी मैं उदाहरण दे सकता हूं उसके लिए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ यही समझो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा यही समझो तुम। सब तुम एक छोटी सी पोटली में बांध के रख दो। ड्रीम, ड्रीम फॉर ए ब्यूटिफुल एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। कैसे, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? जस्टिस। अरेंज मैरिज वहीं खत्म हो जाता है। तब तक बिना पहचाने दो जन शादी के बाद पहली रात में एक हो जाता है। उसके पहले तो दोनों कुछ नहीं पहचानते थे,
अरे कोई भी पहली रात में दिल खोलने का साहस करेगा ही क्या? बोलो, अगर खुलेगा भी तो यहाँ डाइवोर्स कैसे ज्यादा रह जाएगा? कई आदमी लड़की लोग का पीछे जाते हैं, लेकिन उसका पत्नी तो अच्छा रहना चाहिए ऐसा सोचते हो। वो किसी लड़की के साथ मजा कर सकते? ये एक विश्वास है, एक छोटी सी विश्वास में ही ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये तुम ठीक से समझ लो। तुम भी ऐसा कर सकती हो, तुमको भी क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें एक अच्छा जिंदगी मिलता है तो चले जाओ, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि ये। श्वेता, तुम मनो से आर्ग्यू मत करना, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करो। जो कुछ हुआ सब भूल जाओ, नए जीवन को शुरू करो। तू भी वही चाहती हो ना? चाहती तो मैं भी हूँ बहन, लेकिन उनका नजर भी मुझे डर लगता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरी सहायता भी की है, लेकिन मुझे अभी उससे डर लगता है। अगर मैं दूर चले जाऊँ पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो, कुछ अच्छा सोचो ना। तू ही मेरा हिम्मत है, हर बात पे तुम मेरे साथ रहोगी ना? नहीं, तेरे साथ नहीं रहूंगी, शादी के लिए भी नहीं आऊंगी, हमारे जीवन के लिए वही अच्छा है। किस लिए तुम मुझे अवॉइड कर रहा है? तुम्हारे मन में कुछ है तो बोल सकते हैं ना। मनु, दो दिन के बाद मेरी शादी है। हाँ कर लो, तुम पे भरोसा करके मैं काम कर रहा है ना, जो उसका क्या होगा। कम से कम आज एक दिन तो आ जाओ, हमेशा तरह खूबसूरत से। प्लीज जिद मत करो तुम, इस शरीर से ही नहीं अपने दिल से भी मैं बदलना चाहती हूँ। ऐसा बोलने से कैसा होगा, अचानक ऐसा नहीं कर सकती है ना। नहीं मनो, प्लीज उसको कंपल मत करना। तुम बहुत आसानी से बोल रहे, लेकिन ये मेरा जिंदगी का सवाल है। श्वेता, रात को आ जाओ, सिर्फ एक दिन के लिए आ जाओ, उसके बाद क्या तो होने दो, मैं किसी के तरह तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। क्या क्या बोला तुमने? कल के बाद मैं किसी और के बीवी हूँ, उसे धोखा देकर। क्यों रुक गया? हाँ, चाहो कितना पाप भी करो, कितना तो पतिव्रता बन के रहो, वासवदत्ता एक गंदी लड़की है, इसका वजह से मैं कितना लाश होने वाला मालूम है क्या तुझे? मुझे अगर बेच दिया तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा तेरे को। गाड़ी निकालो।
जाए। आज तो जल्दी आ जाओ, बैंक में ऑडिटिंग हो रहा है, जल्दी आने के लिए कोशिश करता हूँ। मुझे बाहर ले जाने वाले थे, भूल गए क्या? मैं लेके जाता हूँ ना, मैं नहीं भूल गया उसे। तो क्या अपन ये कर सकता है क्या? अभी जरूर करिए ना। दीदी। आपका ही बेटी ना? मास्टर जी एक बात बोलूं क्या? वो अभी क्यों इधर आया? तुम पूछा नहीं क्या? एक हफ्ते के लिए वो आने के लिए जिद कर रही थी। अरे इधर रह के भी वो करेगी क्या? मास्टर जी आप गलत नहीं समझना, ये तो अच्छा सगा है। दीदी के बारे में समझा तो मैं कुछ नहीं बोलता है, दुनिया बोलता है इसके लिए। तू वहां जाके बैठो, मैं आता हूं। सत्यनाश उसका जिंदगी तो गया, अभी उसका बहन का जिंदगी भी। चिंता मत कीजिए पापा, मैं जाती हूँ। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप वहां तक आने की जरूरत नहीं है, कहा है तो किसी से भेज दूंगी। बेटी सुनो, अरे वो रवि वो भी नीचे डाल लेना। अरे तुम तो मुझे डराया यार। ए रवि ये मुझे इतना डरता है क्या? अभी तो आया ना, इतना जल्दी क्यों जा रहे? कैसे हो? मैं तो कोशिश कर रहा था, जवाब नहीं दे रहे। वहां बहुत काम था इसीलिए। मैं भी टाउन के आने के लिए सोच रहा हूँ, इधर काम तो कुछ नहीं ना, अगर उधर आए तो काम मिलेंगे ना, पढ़ाई नहीं करने वालों को भी काम मिलेंगे ना। रवि को कुछ पैसे की जरूरत है क्या? तुम्हारा नया नंबर दे दो ना, वहां के कॉल करूंगा। तुम डरो मत, वहां के कुछ भी नहीं बोलूंगा, घर में भी काम करूंगा। रवि प्लीज ऐसे मत कहो। Thank you.
ये ओके, वो टाइल्स का सैंपल चाहिए मुझे। ओके सर, कर देगा। हाय मनु, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपको टाइगर क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना दिया मनु। ओह कंग्रेचुलेशन। वही ना, सब खुशियों के पीछे एक मेहनत होती है। अच्छा, जिंदगी के लिए कभी कभी कुछ गलत काम करना पड़ता है। जिंदगी में मैं वो करके दिखाया हूँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी में मेरा यह सफलता का मेरा बीवी एक वजह है। हेलो लो। हाँ, मैं बोलने भूल गया, इसका नाम प्रदीप है। हम दोनों मिलके एक ही ब्रांच में काम किया हूँ। ट्रांसफर में कलकत्ता गया है, तू तो जानता है ना, मेरा बीवी है। हेलो। हाँ, और एक बात, आज ये इधर ही रुकने वाला है। हाँ चलो। जब ये ब्रांच में काम कर रहा था ना, तीन टाइम इधर ही खा रहा था वो। माँ जी करने वाला रोटी इसे बहुत पसंद है, ठीक है ना? तो क्या बोलते हो? लॉज में रूम लेने वाला था, हम ऐसे छोड़ेंगे क्या इसे? इसीलिए इधर लेके आया हूँ। तुम जैकेट चाय लेके आओ, आओ बैठो। क्या हुआ, अभी भी तुम्हारा काम चल रहे है क्या? वो तो चलेंगी ना, तभी मैं फ्रेश रहूंगा। तुम अभी भी बदला नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। ये तुम क्या कर दिया श्वेता, क्या हुआ तुझे? अरे यार जाने दो। सॉरी। तुम अंदर जाके लुंगी लेके आओ, जाओ। वो ग्लास इधर लाना, मेरे साथ आओ, चलो ड्रेस चेंज करेंगे। बेटा बैठो भाई। जयंत, समय मिले तो तुम्हारा पत्नी को लेकर घर को आना, गुरुवायूर को चलेंगे। हाँ बाद में देखेंगे, कृष्ण परमात्मा इसे बहुत पसंद है। ओ, वो तो सही है ना, आजकल लड़कियों ने कृष्ण भगवान को पसंद कर रही। तू भी बैठो, आजा सांबा डालो ना। किधर है? अरे क्या हुआ, इसे पीने के लिए पानी लेके आ जाओ, बैठो। तुम्हारा वो पुरानी आदत नहीं बदली ना, क्या बोलते हो? तुम अभी भी नहीं बदला है? जयंत क्या हो रहा है इतना सुबह सुबह? तू मेरा माँ जी से बिना मिलके नहीं जा सकता ऐसा। एक घंटा इधर रुको, मैं माँ जी को लेके आता हूँ। अभी मैं गुरुवार जा रहा हूँ, आने से टाइम पे जरूर इधर आऊंगा, माता भी तब पहुंचेंगी ना। तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं, 6 साल पहले ये ऐसा ही बोल के गया था, अभी तक नहीं लौट आया था, अब आया देखो।
इसको थोड़ा देखो नहीं तो भाग जाएगा। आता हूं। ये तुम नहीं सोचा था ना, जयंत मुझे यहां तक लाने वाले का तो नहीं सोचा था ना। समझी नहीं। हमारे बीच में क्या है का तो उसके जरूर नहीं बोलूंगा। आप जाएंगे यहां से? इसमें टेंशन होने की क्या बात है? अब तक हमारे बीच में कुछ भी हुआ था ना, वो सब नहीं बोलूंगा, सब भूल जाऊंगा। लेकिन ये काम करना पड़ेंगे, ये जिंदगी तो एंजॉय करने के लिए है। तुम मुझको कभी नहीं भूलेंगी। हमारा दोनों के बीच में थोड़ा हिसाब है। क्या हिसाब? हिसाब बराबर करने के लिए एक मौका आ गया, वेस्ट मत कर लो ना। ये चांस मिस कर लिया तो जिंदगी में ऐसा मौका फिर नहीं आएंगे। जान देने के लिए ऐसे भी कोई तरीके होते हैं। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? तुमको जाने के लिए जल्दी है क्या? वो बात नहीं माँ जी, आ जाओ। सुनो बेटी, ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका शादी पर क्यों नहीं आए हो? इधर तुम आने के समय तुम्हारा बीवी और बच्चे को लाना था ना। माजी तुम्हें पता नहीं क्या, इसका बीवी को दूसरा डिलीवरी भी हो गया, वो भी लड़की है। ये तो अच्छी बात है ना। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुआ बेटा, तुमको मालूम है? माजी मैं चलूंगा। इतना जल्दी क्या है, तुम खाना खाने के बाद जाना है? अच्छा है। माजी मैं बैंक नहीं गया तो बहुत परेशानी होंगे। क्या परेशानी, तुम जाकर फोन करो, हमों को लीव चाहिए इसलिए तुम नहीं जाओ। तुम लोग इधर बैठो। चलो यार। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? आजा। श्वेता, पुरानी कहानी सोच के नहीं रोना है। आने वाला जिंदगी में बहुत खुशियां मिलेंगी तुम किस लिए, आने वाले दिनों में हम बहुत खुशी से रहने वाला है। उसे छोड़ दो, हमें कोई दुखी नहीं, संतुष्ट है। जय वो। तू कुछ मत बोलना, चलो चलो जाके सोएंगे। सुबह सुबह बबीता शादी में जाना है ना हमको, क्या बोलते हो? चलो।
कौन है आप? तुम कौन है? मॉम, व्हाट्स शी मॉम? ए, हू आर यू? व्हाट डू यू वांट? डॉक्टर, ये कौन है जी? मेरा पेशेंट है डेसी। ये मेरी पेशेंट है। तुमसे कितने बार बोली हूं मैं पेशेंट्स को घर में मत बुलाना इडियट। यू हॉस्पिटल में चले जाना। कम टू माय हॉस्पिटल। अरे वो भगवान, जाकिर हुसैन साहब, दो लड़कियां साहब, दो भी जवानी है। जिंदगी वो एक लंबा सफर, ये पैचाई एक दिन प्यार में बदलेंगे। वो छोड़ना चाहिए। मुझे अभी नया जूता चाहिए। 18 वर्ष की लड़की के साथ जुर्म किया, हमको न्याय चाहिए। 18 वर्ष की लड़की के साथ जुर्म हुआ, हमको न्याय चाहिए। हाँ, अभी कोची में आया हूँ।
वो फ्रस्ट्रेशन केस के लिए आया हूँ। हाँ जरूर वो पूरा करूँगा। तुम तो एक काम करना पड़ेंगे, इधर पैसे वालों का नंबर दे दो ना। रोड के बगल में एक जगह, एक छोटी सी बंगला, वो भी 20,000 square feet में। ऐसा मौका तो कभी नहीं मिलेंगे ना। डायरी में फोन नंबर मिलेंगी तो पैसा क्यों नहीं देने वाले, समझ गए क्या? देखो बेटी, थोड़ा जबर करो। 18 वर्ष की लड़की के साथ जुर्म किया, हमको न्याय चाहिए। कल का दिन गुजर गया, आज का दिन शुरू हुआ। प्रिया, प्रिया,